फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जैसे ड्रेस का जो नाप होता है वो कैसे लेना है उसके बारे में बताऊंगी। क्योंकि जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं, ड्रेस की मेजरमेंट लेते हैं, ड्रेस की मेजरमेंट लेने के बाद हमें जो इसका क्रॉस होता है, जैसे मेजरमेंट का भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी और किया भी है तो फिर से उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये क्रॉस लेते हैं और कैसे ये आर्मोल लेते हैं। वैसे मैं आपको ड्रेस की कटिंग भी करके दिखाऊंगी। अब देखिए, यहाँ पे मैं बहुत सिंपल तरीके से चेस्ट के हिसाब से हमें आर्मोल का जो क्रॉस होता है वो कितना रखना है और यहाँ पे हमारा स्लीव्स का जो आर्मोल है वो कितना रखना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, चेस्ट का नाप निकाला है, यहाँ पे क्रॉस का नाप है और यहाँ पे हमारा आर्मोल का नाप है। अभी चेस्ट के हिसाब से हमें आर्मोल और स्लीव्स का जो नाप होता है वो लेना है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा चेस्ट का जो नाप है वो है 30 इंच। 30 चेस्ट का जब हमारा कुर्ती, 30 चेस्ट की हमारी जब कुर्ती होगी तो उसका जो क्रॉस आता है, क्रॉस कैसे आता है ये देखिए। अब देखिए, यहाँ पे हमारा ये गला है और यहाँ पे हमारा ये आर्मोल है। यहाँ पे हम गला जो राउंड शेप में देते हैं, जैसे यहाँ पे हमारी ये कुर्ती है, यहाँ पे हमारी ये फिटिंग की सिलाई आती है और क्रॉस जो है यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर से यहाँ तक हमारा जो क्रॉस आता है ये देखिए, इस तरह से हमें ये क्रॉस नापना है। ये 6.5 इंच, 30 के लिए कितना लेना पड़ता है, 6.5 इंच। तो ये क्रॉस जो है शोल्डर, जो आर्मोल होता है शोल्डर से आर्मोल तक, इसे हमें क्रॉस बोलते हैं। और उसके आगे हमें प्लस में 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। ये 2 इंच क्या है, वो सिलाई मार्जिन के लिए है। जैसे यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक आपको क्रॉस लेना है। जैसे 30 चेस्ट का कुर्ती होगा तो आपको 6.5 इंच यहाँ से यहाँ तक लेना है और 6.5 इंच लेंगे तो उसके आगे, क्रॉस के आगे आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। वो आपका यहाँ पे आपकी जो 6.5 इंच पे आएगी वो फिटिंग की सिलाई आएगी और यहाँ आगे जो है वो हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा आएगा। अब देखिए, ये हुआ हमारा ड्रेस के लिए। जब हम स्लीव्स बनाते हैं, जैसे स्लीव्स जो होती हैं, यहाँ पे हम इस तरह से स्लीव्स का कपड़ा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमें ये एक मार्किंग करनी पड़ती है और यहाँ पे हमारा जो 7.5 इंच आता है ये हमारा इस तरह से क्रॉस आता है। ये जो 7.5 इंच आता है तो इस तरह से हमारा क्रॉस आता है। जैसे यहाँ पे हमने कुर्ती के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, वैसे हमें स्लीव्स के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये देखिए, यहाँ पे हमारा ये एक्स्ट्रा मार्जिन आएगा और फिर यहाँ पे हमारी जो गोलाई होती है वो आपको स्लीव्स की देनी है, इस तरीके से देनी है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो क्रॉस नापते हैं, जैसे 30 चेस्ट के लिए 6.5 इंच आता है तो यहाँ से यहाँ तक 6.5 इंच आता है और इसके आगे हमने 2 इंच लिया है। जैसे यहाँ पे हमारा स्लीव्स के लिए 7.5 इंच आता है तो यहाँ से यहाँ तक हमें 7.5 इंच आता है और उसके आगे आपको 2 इंच रखना है। हर चेस्ट का जो नाप होता है जो मैं आपको बताऊंगी उसी तरह से आपको लेना है। अब देखिए, 30 चेस्ट के लिए हमें 6.5 इंच का क्रॉस लिया, उसके बाद स्लीव्स के लिए जो आर्मोल निकलता है वो हम 7.5 इंच लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा 32 चेस्ट का नाप होगा, ये देखिए यहाँ पे हमारा 32 चेस्ट का नाप होगा तो यहाँ पे हमारा ये 7.5 इंच आएगा और आर्मोल जो है वो हमारा 8 इंच आएगा। 34 चेस्ट के लिए हमें 7 इंच जो है वो हमारा क्रॉस आएगा, ये जो क्रॉस मैंने बताया है यहाँ तक, लेकिन आपको एक्स्ट्रा मार्जिन भूलना नहीं है, एक्स्ट्रा मार्जिन आपको रखना ही रखना है। उसके बाद 34 चेस्ट के लिए आपको क्रॉस आएगा 7 इंच का और आर्मोल आएगा आपका 8.5 इंच का। 36 चेस्ट के लिए आपका क्रॉस आएगा, ये जो क्रॉस है ये आता है हमारा 7.25 इंच, एक्स्ट्रा मार्जिन आपको लेना है और आर्मोल जो है स्लीव्स का वो आएगा आपका 9 इंच। 38 चेस्ट के लिए ये जो क्रॉस है, यहाँ पे ये जो क्रॉस है ये आएगा हमारा 7.5 इंच और यहाँ पे हमारा 9.5 जो आता है ये स्लीव्स का क्रॉस आता है, आगे आपको एक्स्ट्रा रखना है। 40 चेस्ट के लिए 7.25 इंच लेना है, यहाँ पे इस तरह से क्रॉस लेना है 7.25 इंच पे और आर्मोल आएगा आपका 10 इंच पे। अभी मैंने आपको 30 चेस्ट 40 चेस्ट तक आपको बताया है कि क्रॉस कैसे लेना है, क्रॉस कितना निकालना है, उसका मेजरमेंट मैंने आपको बताया है। जैसे कमेंट्स बॉक्स में भी बोला था कि पूछा था कि हमें ड्रेस का, जैसे ब्लाउज का जो मैंने चार्ट अपलोड किया हुआ था तो आपको ड्रेस का भी चार्ट चाहिए था, इसीलिए मैंने ये चेस्ट के हिसाब से क्रॉस कितना लेना है और आर्मोल कितना रखना है ये मैंने आपको बताया है।
बहुत सिंपल तरीके से आपको ये ड्रेस जो है वो कटिंग कर सकते हैं। जैसे क्रॉस का तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ से यहाँ तक क्रॉस लेना है, वह यहाँ पे हमारी ये फिटिंग की सिलाई आती है, उसके आगे आपको एक्स्ट्रा 2 इंच मार्किंग करनी है। अब देखिए, जब भी हम कुर्ती बनाते हैं, कुर्ती में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से हम लंबाई नापते हैं यहाँ तक, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, लंबाई में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। 2 इंच हमें जितनी हमारी लंबाई होगी उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे यहाँ पे हमारा ये चेस्ट का नाप जो बताया, या क्रॉस का नाप बताया, या आर्मोल का नाप बताया, अब जब हम बॉडी के ऊपर नाप लेते हैं, अभी देखिए बॉडी के ऊपर नाप लेंगे तो हमें लूजिंग कितना रखना है। अभी 30 चेस्ट का ब्लाउज है, 30 चेस्ट की कुर्ती है, अभी 30 चेस्ट की कुर्ती है तो इसमें लूजिंग कितना रखना है, जब हम बॉडी के ऊपर नाप लेते हैं तो हमारा 30 चेस्ट का नाप निकलता है, उसमें हम 4 इंच लूजिंग रखेंगे। अभी 4 इंच रखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये 34 इंच हो जाता है। अभी 34 इंच हो जाता है तो उसका 1/4 हमें निकालना है, 9 इंच हमें लेना है। 9 इंच लेते हैं तो उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, इसका आपको ध्यान रखना है, तब जाके आपको ये जो कुर्ती जो है वो आपकी एकदम परफेक्ट आएगी। जैसे चेस्ट का जो नाप होता है, बॉडी के ऊपर जो भी हमारा नाप निकलता है उसमें हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ता है, एक्स्ट्रा लूजिंग लेना पड़ता है 4 इंच का, तो उसमें ये हो जाता है 34 इंच, इसका 1/4 आपको निकालना है। 1/4 निकालने के बाद आपको 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, तो यहाँ पे हमारी 9 इंच पे फिटिंग आएगी और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा, इस तरह से आपको ये लेना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है कि कुर्ती का लूजिंग कितना रखना है, लंबाई में कितना रखना है, या चेस्ट के हिसाब से क्रॉस कितना लेना है, आर्मोल कितना लेना है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो समझाया है, आपको मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन जो भी समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के फिर से आपको समझाऊंगी। लेकिन क्रॉस का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आर्मोल होता है इस तरीके से हम क्रॉस में नापते हैं, यहाँ पे हमारा जो क्रॉस आता है यहाँ पे हमारी ये फिटिंग की सिलाई आती है, उसके आगे आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और यहाँ पे हमारा जो 7.5 हो, 8 इंच, 8.5 इंच हो, तो यहाँ पे हमारा ये क्रॉस इस तरह से आता है, यहाँ पे हमें एक मार्किंग करनी है, तो जैसे 7.5 इंच आया तो 7.5 इंच पे मार्किंग करनी है, तो यहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी, उसके आगे हमें 2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा रखना है। इस तरीके से आपको जो कुर्ती होती है वो लेनी है। जैसे मैं आपको कुर्ती के मेजरमेंट भी बताऊंगी, वैसे भी मैंने अपलोड किया हुआ है, लेकिन जो भी लोगों को समझ में नहीं आया होगा मैं फिर से आपको समझाऊंगी। अभी ये मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। वैसे मैं आपको कुर्ती की कटिंग भी करके दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे लेना है। अब जब हम बॉडी के ऊपर नाप लेते हैं तब हम इसमें लूजिंग में 4 इंच ऐड करते हैं। जो लूजिंग में हम 4 इंच ऐड करते हैं, 34 इंच हो जाता है, 34 का 1/4 निकालते हैं, 1/4 निकालने के बाद प्लस 2 इंच लेते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। उसके बाद जब हम कुर्ती के ऊपर नाप लेते हैं, अभी देखिए कुर्ती का जो नाप होता है, जैसे चेस्ट का नाप है यहाँ से यहाँ तक, आर्मोल से यहाँ तक नापोगे तो जैसे यहाँ पे हमारा 20 इंच, 20 इंच आया, अभी 20 इंच आया तो उसका 1/4 आपको लेना है 10 इंच, यानी कि 40 इंच हो जाता है। एक साइड हमने नापी 20 इंच, इसका डबल किया 40 इंच, उसका 1/4 निकलता है हमारा 10 इंच। अभी 10 इंच हमारा 1/4 निकलता है तो 10 इंच आपको लेना है और उसके आगे आपको 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, उसका आपको ध्यान रखना है। जैसे कमर में आपका जितना कमर होगा उसमें आपको उसका डबल करेंगे तो उसका 1/4 निकालना है और उसमें भी आपको 2 इंच प्लस करना है। लेकिन जब हम सीट घेर का नाप निकालते हैं तो सीट घेर का कैसा है, जैसे सीट घेर में तो हमें जो कट होते हैं वो फोल्ड करने के लिए चाहिए, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 ही इंच इसमें बढ़ाना पड़ता है। जैसे अंदर के साइड में फोल्ड हो जाता है उसमें उसी के लिए 1 ही इंच प्लस करना पड़ता है। और नीचे का जो घेरा होता है उसे भी हमें, जैसे सीट घेर में 1 इंच लिया तो यहाँ पे भी हमें 1 इंच रखना है, सीट घेर में और घेरे में 1 इंच रखना है, क्योंकि अंदर के साइड में ये फोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे हमारे ये जो कट आते हैं। लेकिन कमर में हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ता है इसीलिए हम 2 इंच लेते हैं, और चेस्ट में हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ता है इसीलिए भी हम 2 इंच लेते हैं। अभी कमर में और चेस्ट में, जैसे कमर और चेस्ट में हमने 2-2 इंच लिया है तो इसीलिए आपको स्लीव जो है यहाँ पे हम जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे जो फिटिंग आती है ये भी हमारी सेम आनी चाहिए, तो इसीलिए आपको क्या करना है, स्लीव्स के लिए भी आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है।
यहाँ पे 2 इंच रखोगे तो यहाँ पे भी 2 इंच रखना है, यहाँ पे 1.5 इंच रखोगे तो यहाँ पे भी 1.5 इंच रखना है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है, चेस्ट में आपको जैसे हम कुर्ती के ऊपर नाप लेते हैं तब का बताया है, और जब हम बॉडी के ऊपर नाप लेते हैं तब हमने ये लूजिंग जो है वो 4 इंच का बताया है। जैसे हमारा 30 का हो गया यानी कि 40 का हो गया, 40 का 1/4 जो है, जैसे 40 में हमें बॉडी के ऊपर नाप निकाला तो 40 इंच आया, तो जब हम 40 इंच आता है तो इसमें भी हमें 4 इंच लेना है तो 44 इंच हो जाता है, तो उसका 1/4 निकलता है हमारा 11 इंच, उसमें भी आपको 2 इंच प्लस करना है। इसे पूरे तरीके से जब बॉडी के ऊपर नाप लोगे तो ये इस तरह से आता है, और कुर्ती के ऊपर नाप लेंगे तो ये इस तरह से आता है। अब जो भी समझ में नहीं आएगा वो कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं फिर से वीडियो में आपको वो समझाऊंगी कि कैसे करना है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।